बात करते हैं गुमला की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियान जोहार यात्रा के तहत पहुंचे हैं। खतियान जोहार यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया, जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री पुग्गु हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान डीसी और एसपी ने सीएम का स्वागत किया, जिसके बाद पास ही कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। सुशील सिंह हमारे संवाददाता मुख्यमंत्री के इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। जी सुशील। जी दीपक, मैं आपको स्पष्ट मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, इस पूरे मकसद एक राजनीतिक मंच बना हुआ है। पूरी तरह से सीएम हेमंत सोरेन है पूरी तरह से भाजपा पर कहीं ना कहीं हमला कर रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि अब तक भाजपा की सरकार ने यहाँ शासन किया, उसने केवल झारखंड को लूटने का काम किया है। हमारी सरकार आई है जनता के विकास के लिए काम कर रही है, जनता कर रही है। जो लंबे इस मुद्दे को लेकर हुई थी, उन मुद्दों को लेकर सरकार काम कर रही है। उन्होंने सरकार का जो तरीका होता है काम करने का, वो अधिकारियों को बताया है के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके लिए कई ऐसी योजनाएं दी जा रही है जो कहीं ना कहीं गरीबों को लाभान्वित कर सकती है, सरकार के होने का मतलब बताया जा रहा है। लेकिन एक बता दूं आपको स्पष्ट, इस कार्यक्रम के दौरान जो कांग्रेस के कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है, साथ ही साथ जो जेएमएम के जो स्थानीय जो विधायक है, जो दबंग विधायक कहे जाते हैं चमरा नेता, उनकी भी अनुपस्थिति है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो जेएमएम के चमरा नेता जो विधायक है वो क्यों नहीं है, कांग्रेस के मंत्री क्यों नहीं है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आप देखेंगे दीपक, तो जहां पर सत्यानंद भोक्ता जो आरजेडी कोटे से मंत्री है, उन्होंने कहा कि सरकार काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, गरीबों के विकास के लिए काम कर रही है। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं, जो केंद्र सरकार है, उन्हें ये पच नहीं रहा, जिसके कारण सरकार को परेशान करने, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। वही जब अभी हेमंत सोरेन का जो अभी भाषण चल रहा है, हेमंत सोरेन स्पष्ट कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं चाहा था कि जेएमएम की सरकार यहां बने, और जेएमएम की सरकार जब लोकतांत्रिक तरीके से यहां बन गई है तो वो जो बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमारी सरकार का एक साल कालखंड हुआ है, जो दो साल का कार्यकाल था वो तो कहीं ना कहीं कोरोना में बीत गया। एक साल के कार्यकाल में जिस तरह के आरोप हम पर लग निश्चित रूप से ये बात की जा रही है। तो इसे स्पष्ट कहा जाता है कार्यक्रम के दौरान। चलिए, तो सुशील नजर बनाए रखें मुख्यमंत्री के दौरे पर, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए।